एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भेड़िया भेड़ से नहीं डरता। किससे डरता है? वो चरवाहे से डरता है। अगर हमारे साथ चरवाहा नहीं होगा, वो तुरंत आके हमें फाड़ खाएगा। आज जो हम सीखने जा रहे वो ऐसी घमंडी कलीसिया थी। एक निकालेंगे बेटा, तीन का 14। पढ़े कोई अच्छी ऊंची आवाज में पढ़े। लोदिकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। बस इधर 14 से लेके हमने 16 तक पढ़ा है ना, तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है, अभी कौन सी कलीसिया है ये? लौदिकिया। ये कौन सी कलीसिया, कितने नंबर पे आती है ये? ये आखिरी कलीसिया है। हम एक एक कलीसिया से सीख कर आ रहे हैं। अभी इधर जो है, लौदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो जो आमीन है। कौन है वो आमीन? का मतलब जानते, जब हम प्रार्थना करते, जब बोलते, क्या बोलते हम सब? आमीन। अपने आप को प्रभु कहता है, लौदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो आमीन। यानी कि प्रभु अपने आप को क्या बोल रहा है? आमीन। समझ में आ रहा है आपको? आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। यानी कि इधर जब पढ़ते समय लिखे, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में बहुत ताकत है। कहते लौदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख की जो आमीन। यानी कि अपने आप को परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूं? आमीन। आमीन का मतलब उस शब्द में वो ताकत है कि मतलब जो मैं बोलता हूं वो पूरा होता है। आमीन का मतलब वही है कि पूरा हो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना कि आमीन, यानी कि ऐसा ही हो, यानी कि जो बोला वो पूरा हो। इतना समझ में आया आमीन का मतलब? जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये हम मांगते हैं, क्या बोलते हैं? आमीन, यानी कि पूरा हो। उसी तरह यीशु मसीह जब बोलते समय कलीसिया के दूत को ये लिख जो आमीन है, आमीन का मतलब ये है कि पूरा। क्योंकि यीशु मसीह के जब वचन में हम जब भी पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर उसका की बोला वो वचन सब क्या होगा? पूरा होगा। यानी कि जो जो उसने बोला वो सब क्या होगा? निकाले वचन में है, बहुत जगह, मत्ती में भी है, लूका में भी है, मरकुस में भी है। पढ़े एक दो वचन पढ़ लेते हैं जल्दी से। लूका 21 का 33 पढ़े। लूका 21 का 33। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगे। मतलब जो बोला है पूरा होगा वो। इतना समझ में आ रहा है आमीन का मतलब? आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगी? टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इसका मतलब ना टलेगी मतलब जो बोला है वो पूरा होगा। इसलिए वहां पे शब्द आया आमीन। आमीन का मतलब पूरा हो। जो जो प्रभु ने बोला है सब बातें क्या होंगी? वो पूरी होंगी। इतना समझ में आया आमीन का मतलब? वापस उधर प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। ये बहुत सारी आयतें अगर निकालेंगे तो इधर लिखा है, वापस वहीं पे मैं जाऊंगा कि लौदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन। आमीन का मतलब समझ में आया ना हमको अच्छी तरह? यानी कि पूरा होगा जो उसने बोला है। कुछ भी ऐसी बातें नहीं कि वो पूरी ना होगी, हर एक बात उसकी पूरी होगी जो उसने बोला है। अभी उसका आने का भी वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां।
यानी कि जो जो बोला सब पूरा होता आ रहा है। अभी एक कुछ बातें और रह गई हैं, उसने बोला ना मैं बादलों पे आऊंगा, वो भी पूरा होने जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि जो उसने बोला वो पूरा ना होगा, सब बातें क्या होंगी, पूरी होंगी। तो वो ये आमीन। और आगे बढ़ते हैं, और वो कौन है, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। हमारा प्रभु कौन है, वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। सच्चा गवाह मतलब सच्ची साक्षी, यानी कि गवाही देने वाला, यानी कि वो जैसा सच्चा है ना वैसे सच्ची बातें बोलता है, वो झूठ कभी नहीं बोलता। हम मनुष्य तो यह है कि हम कुछ बोल के बदल जाते हैं, मगर वहां पे पड़ता है वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। जो सच मतलब जैसा कभी कभी किसी के स्वभाव से देखते, अरे वो तो झूठा ही है, हमेशा झूठ बोलता है, मगर हमारा प्रभु के स्वभाव में भी क्या है, वो सच्चा है और हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता। इसलिए लिखा वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आगे परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल का मतलब जहां से जो शुरुआत होती है ना, मूल यानी कि जड़। तो लिखा है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल का कारण है। मूल का कारण का मतलब जब हम देखते हैं, वो एक वचन पढ़ेंगे कुलुसियों में है, वो निकाले बेटा कुलुसियों निकाले, एक का 17 पढ़े। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम यानी कि पहला, और सब वस्तु उसके उसी में क्या है, स्थिर है। इसीलिए वहां प्रकाशित वाक्य में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जब हमने पढ़ा है, क्योंकि जो विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी है, जो सत्य उसी की ओर से बताता है, यहाँ पर इसलिए लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण यही है। तो हमने वहां कुलुसियों में भी पढ़ा है, कौन है वो, वही क्या है, सबसे पहला है और सब उसी के द्वारा ही क्या है ये सृष्टि, यानी कि सबसे पहले सृष्टि में जब हम पढ़ते समय ये उसी में स्थिर है सब वस्तुएं। यानी कि जब हम पढ़ते समय एक एक बात को जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान से आगे पढ़ेंगे। आगे जाएं बेटा प्रकाशित वाक्य में, लिखा है मूल कारण है जो सृष्टि का, क्योंकि अभी जब यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने, अभी देखो सबसे पहले सृष्टि तो ये नए धरती आकाश को जब हम देखते हैं, ये अभी जो बनाया, जो 6 दिन में जो सृष्टि बनाई थी, उस सब का कर्ता कौन है, यहाँ पर हमने पढ़ा सच्चा गवाह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण यही है। तो दूसरी, जैसे यीशु मसीह ने अभी जब एक बार जिंदा होकर मौत पर जय पाकर, मौत पर जय पाकर अभी दूसरी सृष्टि यानी कि एक नए यरूशलेम के लिए भी क्या है, वो तैयारी हो रही ऊपर, उसने बोला ना मैं जगह तैयार करने जाता हूं। यानी कि पहली सृष्टि को तो उसी ने बनाया, दूसरी सृष्टि के लिए अभी तैयारी हो रही। वो कैसे तैयारी हो रही, उसने मौत पर जय पाकर अभी जाकर वो क्या कर, हमारे लिए नई जगह तैयार करने गया है। पहली सृष्टि का तो हमने देखा यही है, अभी दूसरी सृष्टि की भी क्या हो रही है, अभी तैयारी हो रही है। तो जैसे प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जब नया यरूशलेम जो आएगा, जो नया यरूशलेम का मतलब वही है जो जय पाने वाले लोग हैं, वो यीशु मसीह की जो दुल्हन है, तो उसी की तैयारी अब ये जो चल रही है वही तैयारी है। अब तो आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि वो ये कहता है, आगे है जो, हाँ अब आगे जाएंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कहता है वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। किससे बोल रहे ये, लौदिकिया की कलीसिया से बोलता है। और आज किससे बोलता है वो, हाँ की कलीसिया से बोलता है कि मैं तेरे कामों को, अभी हर कलीसिया से बोला ना प्रभु ने मैं तेरे कामों को जानता हूँ, उनसे भी बोला मैं तेरे कामों को जानता हूँ, स्मुरना से भी बोला मैं तेरे कामों को जानता हूँ, सबसे बोलता है वो, क्योंकि एक एक के काम को क्या करता है वो, जानता है। तो हर कलीसिया के द्वारा हमसे बात किया, मगर आज वो एक बार और हमसे बात कर रहा, कहता है कि मैं तेरे कामों को
जानता हूं यहां पर हम जितने भी बैठे हैं हम सब के कामों को वो क्या करता है, वो जानता है। आगे बढ़े बेटा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इधर देखो ध्यान से, अगर क्योंकि ये हमने हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये हमने पहले सीखा हुआ है, अभी वो दिमाग से निकाल देना और आज सीखने की कोशिश करना। अच्छी तरह सुनोगे तभी हम आज समझ पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे अरे ये तो हमने पहले कितनी बार सुना हुआ है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है, ना तो तू ठंडा है और ना गरम। भला होता कि तू ठंडा होता या गरम होता। दो बातें सुनना ध्यान से, ना तो प्रभु कहता ना तो तू ठंडा है ना गरम, कहता भला होता तू ठंडा या गरम होता। अब इसके बीच में क्या है, ना तो तू ठंडा है ना गरम है, कहता भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, यानी कि कौन सी हालत में है, ना तो ठंडा है ना गरम है। समझ में आ रहा है? प्रभु के वचन को ध्यान से देखना, कहता है कि तू ना तो ठंडा है ना गरम है, और फिर बाद में बोलता है भला होता कि तू ठंडा होता या गरम होता। कहता कि भला यानी कि अच्छा होता या तो तू ठंडा होता या गरम होता, यानी कि दोनों नहीं है तेरे अंदर। आगे पढ़ेंगे, इसलिए कि तू गुनगुना है। इसलिए क्या है, तू गुनगुना है। तीन बातें हैं यहां पर, सही से ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रभु कहता ना तो तू ठंडा है ना गरम है, फिर बोलता भला होता तू ठंडा होता या गरम होता, फिर कहता कि पढ़े आगे कि तू कौन है, गुनगुना है। हाँ पढ़े बेटा, तू कौन है? इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, यानी कि ना ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि तू कौन है, गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब ये तीन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठंडा गरम गुनगुना, ये तीन बातों में जब हम देखेंगे तो क्योंकि यहां की जो जो कलीसिया है यहां पर जो हम आज जो सीख रहे हैं, ये कौन सी कलीसिया, ये लौदिकिया की कलीसिया, ये कलीसिया ऐसी है इसमें ना तो ईजाबेल की झूठी शिक्षा थी इनके पास, इस कलीसिया के पास कौन सी शिक्षा नहीं थी, ईजाबेल की शिक्षा नहीं थी इनके पास झूठी शिक्षा, और ना ये ऐसे लोग भी नहीं थे कि अनैतिक, यानी कि ये एकदम अच्छी रीति से चलने वाले लोग थे, और दूसरी बात ये दुष्टता से भरे हुए लोग नहीं थे। दुष्टता का मतलब जानते हैं, इनके अंदर कोई बुराई भी नहीं थी, ये कलीसिया जो हम सीख रहे लौदिकिया की कलीसिया में, इनके अंदर ना तो ईजाबेल वाली कोई झूठी शिक्षा थी, ना दुष्ट जैसे कुछ काम थे, ना अनैतिक जैसे कुछ काम थे, यानी कि वो नीति के अनुसार चलने वाले लोग थे। मगर इसमें दो बातें थी, एक तो कैसी थी, ये नैतिक यानी कि वैसे दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे तो लोगों का आदर करने वाली कलीसिया थी, मगर आत्मिक तौर से कैसी थी, ये मरी हुई थी। मतलब संसार के तौर से तो कोई भी आते थे आदर भाव इज्जत करते थे, मगर आत्मिक तौर से क्या थे, ये मरे हुए थे। ये दो तीन बातों को ध्यान से सुनोगे तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। ये जो मैंने बोला दो तीन बातें समझ में आई, ये कलीसिया ऐसी थी जैसे हमने पिछले दिन में ईजाबेल के बारे में देखा सुना था ना, ईजाबेल की झूठी शिक्षा इनके पास नहीं थी, और ना कोई दुष्टता वाले गलत काम भी नहीं थे इनके पास, ठीक है। मगर फिर भी प्रभु कहता है ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, अगर भला होता तू ठंडा होता या गर्म होता, मगर तू कौन है, गुनगुना है। तो ये तीन बातों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, एक एक करके मैं ध्यान से आराम से धीरे धीरे बताऊंगा। प्रभु हमारा परमेश्वर चाहता कि हमारे हर एक के हृदय जो हमेशा कैसे रहे,
सरगरम रहे। सरगरम मतलब उत्साह से भरे रहे। कैसे भरे रहे? उत्साह से भरे रहे। वो परमेश्वर चाहता कि हर एक विश्वासी क्या करे, प्रेम में, उत्साह से सेवा में क्या करे, भरे रहे। मगर यहां पर जब हम देखते समय, यहां पर एक आयत लूंगा, उससे पहले मैं एक आयत पढ़ ले बेटा। लेवी व्यवस्था, वहां पर परमेश्वर उनसे बोलता है, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। क्योंकि वहां के लोगों को मैंने बताया अभी, वो आत्मिक तौर से मरे हुए लोग थे। वो बाकी लोगों का तो आदर करते थे, कोई गलती भी उनके अंदर, कोई दुष्टता नहीं थी, कोई गलत काम नहीं थे उनके अंदर। तो यहां पर एक आयत पढ़े, लेवी व्यवस्था 6:13 पढ़ेंगे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी ना बुझने पाए। ये पुराने नियम में, जब व्यवस्था में पुराने नियम में देखेंगे तो उधर एक वेदी होती थी होम बलि के लिए, मेल बलि की जो वेदी जो होती थी वहां पर। वहां पर हम जब पढ़ते हैं और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वो वेदी ऐसी थी। हाँ पढ़े बेटा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, यानी कि उस वेदी की जो आग है ना, कभी बुझनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? हम सोचेंगे कि अभी तो यहाँ पे कोई बलि चढ़ाने वाला है नहीं, चलो आप क्या करें, आग को बुझने दो। मगर वहां की उस वेदी को जो प्रारण्य में थे, वहां की वेदी हमेशा क्या होनी चाहिए, जलनी चाहिए। जैसे उस समय वो वेदी जलती थी, आज हमारे हरे के अंदर परमेश्वर चाहता है एक एक के अंदर वो उत्साह, वो जोश, वो प्रेम हमेशा एक दूसरे के प्रति क्या करे, भरे रहे। इतना समझ में आ रहा है? जैसे पुराने नियम में वो वेदी पर हमेशा आग जलती रहती थी, आज परमेश्वर चाहता कि हम एक एक विश्वासी के अंदर वो जो जोश प्रभु की सेवा के प्रति, वो जो उमंग, वो जो एक दूसरे का प्यार या प्रभु का प्यार क्या करे, हमेशा क्या करे रहे, उसमें उमड़ते रहे हम। अगर वो नहीं है हमारे अंदर तो हम कैसे पहचान सकते हैं? वो आज हम पहचानेंगे। जैसे उस वेदी में हमेशा आग जलने के लिए बोला था परमेश्वर ने उनको, ये व्यवस्था में, ये मतलब ये नियम था कि उस आग, वेदी की आग कभी बुझनी ना पाए। 13, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी भी बुझने ना पाए। ये परमेश्वर की आज्ञा है ये उस समय की, कि ये वेदी पर हमेशा क्या है, आग जलती रहनी चाहिए, कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे अंदर भी प्रभु के प्रति वो जो उमंग है, जो उत्साह था, जो हमारे अंदर जो जोश था, जो जुनून था, वो क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मगर चलते चलते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? जो मसीह प्रेम था, जो कलीसिया के प्रति, भाई बहनों के, विश्वासी के प्रति जो प्रेम था, वो क्या हो गया है, हमेशा भरा रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है इतना? तो आज वही तीन बातों को हम देखेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, तू दोनों नहीं है। तू कौन है? तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से क्या हूं, उगलने पर हूं। तो वो तीन बातों को हम देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे वो समझने के लिए, क्योंकि यहां पर परमेश्वर हमसे एक चीज चाहता है। वो क्या चाहता है परमेश्वर, कि यीशु मसीह के जो सच्चे विश्वासी हैं, वो सामान्य तौर से वो चाहिए उनके विश्वास के अंदर क्या है, हमेशा वो आग जलनी चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि यीशु मसीह के जो विश्वासी, जो गवाह है, उनके अंदर हमेशा आग जलनी चाहिए। आप एक बात को ध्यान से सुनना, जैसे एक पेड़ में, जब मूसा के समय एक पेड़ पे क्या चल रही थी, आग जल रही थी। अगर उस पेड़ में जब आग जल रही थी,
तो उस पेड़ में कोई कीड़ा कीटाणु फिर जीवित नहीं रह सकता, अगर आग जल रही है तो। कितने भी कीटाणु होंगे, कीड़े होंगे, सब क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। उसी तरह अगर इधर भी आग होगी, इधर क्या होगी, अगर आग होगी वो सामर्थ होगी, तो जो प्रेम को कम करने वाली बातें जो हमारे अंदर शैतान डालता है, वो सब क्या हो जाएगी, जल जाएगी। किसी के प्रति जो ईर्ष्या या जलन डालेगी अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अगर इधर वेदी पर आग जल रही है तो, अगर आग नहीं जल रही तो क्या हो जाएगी, उसमें सब सहमत होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर जैसे झाड़ी में अगर आग जल रही होगी तो उसमें कोई कीटाणु जिंदे रहेंगे, फिर सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। उसी तरह जैसे उस पुराने समय में वो वेदी पर आग जब जलती रहती थी, जो भी भेंट लाते थे सब क्या हो जाती थी, जल जाती थी। उसी तरह आज अगर हमारे अंदर भी ये वेदी है, इधर अगर परमेश्वर की आत्मा का अगर आग जलता होगा, शैतान किसी के प्रति कुछ डालेगा, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। शैतान तू इस प्यार को, जो मसीह प्यार को, विश्वासी भाई बहन के प्यार को तू कम नहीं कर सकता। वो आग डालेगा तो सही, मगर क्या हो जाएगा, सब जल जाएगी, उसमें सहमत नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, इधर आग ना जलने के कारण वो सारे कीटाणु अंदर ही चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? किसके कारण वो कीटाणु नहीं मरते? आग बुझ गई है। अगर आग जलती होगी तो शैतान तो कुछ भी डाल दे इधर, तेरा काम इधर नहीं चलेगा। वो एक चीज नहीं, कई तरीके से, अलग अलग युक्ति से कुछ ना कुछ डालेगा। अगर इधर आग होगी तो सब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए जब आज जो हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से तीन बातों को सीख कर जाना, और उसको हम कैसे परख सकते हैं। आज हम यहां पर बैठे हैं, हम कैसे परख सकते हैं कि हमारे अंदर आग जल रही नहीं जल रही, हम ठंडे हैं या गर्म है या गुनगुने हैं। ये तीन बातों को एक एक जांचना, अपने आप को जांचोगे, कौन कौन जांचेंगे, वचन आपको बात करेगा आपसे कि आप कौन से लेवल पर हो, आप ठंडे हैं या गर्म है या गुनगुने हैं। सबसे पहले पूछना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं? गर्म, गर्म तो बोल दिया। अभी वचन के सामने तुलना करना, आप कौन से लेवल पे हैं, जांचना आप अपने आप को कि हम कौन से लेवल पे हैं। अगर जो गर्म होगा तो क्या करेगा वो, उल्टी सीधी बातें सब क्या हो जाएंगी, आग जल रही होगी तो सब क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो तीन बातें हैं जो हम जिससे परख सकते हैं, एक तो ये है गर्म, एक है ठंडा, एक है गुनगुना। सबसे पहले हम गर्म लेंगे, क्या लेंगे, गर्म। अगर हम सरगर्म होंगे, सरगर्म मतलब गर्म वही है, अगर सरगर्म होंगे तो हम क्या होंगे, उत्साह से भरे होंगे। सबसे पहले अगर हम सरगर्म है तो हम क्या करेंगे, हम उत्साह से भरे रहेंगे या प्रेम से भरे रहेंगे। अगर हम गर्म है तो, ये पहचान है, इसको पहचान लेना, अगर हमारे अंदर प्रेम से भरे हुए हैं हम या उत्साह से भरे हैं, तो इसका मतलब आज हम कौन है, गर्म है। अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है किसी के प्रति, या प्रभु के प्रति जो जोश, जो उमंग, जो थी उछाल थी भागदौड़ करने की, वो नहीं है, इसका मतलब हम गर्म नहीं है। समझ में आया है? अगर आज भी हमारे पास उत्साह है, जोश है, कहीं से भी आत्मा को जीत ले, वचन बता दे, किसी के अंदर, भाई बहन के अंदर प्रेम अभी भी भरा पड़ा है, तो अभी भी हम कौन है, गर्म, यानी कि अभी भी वो आग बुझी नहीं, आग जल रही है इधर, ये इसके पहचान है। ये अभी कौन है, हम गर्म है, वो आग अभी बुझी नहीं, जल रही है अभी भी। अगर क्या है हम, तो अगर अभी भी हमारे अंदर उत्साह है सेवा करने का, कमियां तो है, गलती हो गई थी, अगर हम उसमें से उठकर, प्रभु मुझे तेरी सेवा करना है, किसी के प्रति जलन, बीच में गुस्सा नफरत आ गई थी, उसको हमने प्रार्थना करके जला दिया, अब उसके अंदर, हमारे अंदर उसके प्रति क्या है, प्यार अगर है तो अभी भी हम कौन है, गर्म है। अगर वो प्यार नहीं है, उत्साह नहीं है अभी आपके अंदर, तो आप बोल नहीं सकते कि मैं कौन हूं, अभी गर्म हूं। अगर आपके अंदर उत्साह या प्रेम नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते कि मैं कौन हूं।
आप तभी बोल सकते हैं कि अभी भी आत्माओं के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, सेवा का अभी भी मन है, किसी के अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं, प्रेम है, सब सबके प्रति प्रेम है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे अंदर अभी भी आग जल रही है। अगर ये चीजें नहीं तो आप बोल नहीं सकते कि मैं अभी कौन हूं, गर्म हूं। सबसे पहले इतना समझ में आया है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, ठंडा। जो व्यक्ति ठंडा होगा तो वो किस लेवल पे होगा, आप बताइए। जो व्यक्ति ठंडा होगा तो कैसे, किस लेवल पे होगा वो? जो ठंडा होगा ना वो कड़वाहट से भरा होगा। जो ठंडा होगा तो वो कड़वाहट से भरा होगा। और दूसरा वो क्षमा रहित होगा। अगर जो ठंडा व्यक्ति होगा तो क्या क्या होगा वो? जो ठंडा यानी कि जो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा, किसी को माफ नहीं कर पा रहा, यानी कि वो ठंडा हो चुका है। समझ में आ रहा है? आज भी हमारे अंदर है ना, कुछ भी हो जाए मैं उसको माफ नहीं करूंगा, यानी कि ये व्यक्ति ठंडा हो गया। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति किसी को भी माफ कर सकता है वो अभी उसके अंदर आग जल रही है, और जो किसी को माफ नहीं कर पा रहा वो कौन हो चुका है? वो ठंडा हो गया वो। और दूसरा, किसी के प्रति जो कड़वाहट रख के चल रहा है, उस कड़वाहट को निकालने का मन नहीं उसका, लेके चलता जा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति कौन है? अभी ठंडा है। दो बातें समझ में आई है, गर्म के बारे में समझ में आया है, ठंडा के बारे में। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अभी आपसे वचन बात कर रहे हैं। आप कौन से लेवल पे, आप देख लेना। अगर आपके अंदर किसी के प्रति क्या है, कड़वाहट है अभी भी, आप अपने आप को जांचे आज। अगर आपके अंदर कड़वाहट है यानी कि आप ठंडे हो गए, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, आप कौन हैं? आप ठंडे हैं। समझ में आ रहा है? तीसरा कौन सा रह गया है? गुनगुना। अब वो गुनगुना के बारे में सुनेंगे क्या कहता है वचन। गुनगुना, देखो दो तो हमने देखा है, ठंडा तो क्या होगा, कड़वाहट से भरा होगा और क्षमा रहित होगा। अब गुनगुना होना, गुनगुना का मतलब क्या है कि किसी के अंदर किसी के भी प्रति क्या नहीं, उसके कड़वाहट नहीं है। क्या नहीं है? गुनगुने की पहचान क्या है? वो किसी के प्रति उसके अंदर क्या नहीं है, कड़वाहट से भरा हुआ नहीं है, और ना प्रेम से भी नहीं भरा हुआ है वो। समझ में आ रहा है? जो गुनगुना होगा ना उसके अंदर किसी के प्रति प्रेम भी नहीं होगा, और ना किसी के प्रति ना तो कड़वाहट भी नहीं है। अभी हम बहुत से बोलते ना, किसी से भी बोलता हूं कि भाई सुनील आपके मन में मेरे प्रति, नहीं भैया मेरे अंदर कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। समझ में आ रहा है आपको? गुनगुना जो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले बोला गर्म का समझ में आया, ठंडे का समझ में आया, अब तीसरा है गुनगुना। जो गुनगुना व्यक्ति के बारे में हम सीख रहे हैं, उसके अंदर ना तो किसी के प्रति प्यार भी नहीं है, ना किसी के प्रति कोई बुराई भी नहीं है, वो व्यक्ति कौन है? गुनगुना है। तो वचन क्या कहता है वो ध्यान से सुनना, कहता ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू कौन है? गुनगुना। अभी हम किसी से बोलते हैं ना, भाई अभिषेक तेरे मन में कुछ है मेरे प्रति? नहीं पापा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है आपके प्रति, कलीसिया के प्रति नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि ये कौन है? गुनगुना है ये। और गुनगुने को परमेश्वर उगलने पर है, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं। बहुत से हम विश्वासी से बोलते हैं नहीं भैया तुम्हारे प्रति हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है मतलब कुछ कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट नहीं है, साथ में क्या नहीं है, प्रेम भी नहीं है, वो कौन है? गुनगुना है। समझ में आ रहा है? बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिनके अंदर ना तो कड़वाहट भी नहीं है किसी के प्रति, ना कोई प्रेम भी नहीं है, वो कौन से लेवल पे है? गुनगुने के लेवल पे है। और गुनगुने को प्रभु बोलता क्या है, तुझे मैं अपने मुंह से, क्योंकि ये गुनगुना होना है ना, ये बहुत खतरनाक लेवल है ये। समझ में आपको आ रहा है?
ये गुनगुना जो होना है ना, बहुत से बोल देते हैं नहीं हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, जो ऐसा बोलते कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, असल में वो कौन है? गुनगुना है। और यीशु मसीह जब कहता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ भी नहीं है, जिसके मन में कुछ भी नहीं है, तो प्रभु उनको क्या बोलता? तुम मेरे शिष्य हो, ऐसे बोलते हैं। आपको जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? पीछे भी बहुत से के मुंह से मैंने सुना है, नहीं भैया हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ कड़वाहट नहीं है और साथ में क्या भी नहीं है, किसी के प्रति कोई प्रेम भी नहीं है, वो गुनगुनी हालत में है। तो ऐसे गुनगुने को प्रभु अपना क्या नहीं कहता? ये नहीं कहता कि तुम मेरी संतान हो। किसको बोलता है मेरी संतान? हा? जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको अपने शिष्य नहीं बोलता प्रभु। प्रभु किसको अपने शिष्य बोलता है बताओ, थोड़ा बताया करो ना। क्योंकि बहुत से के अंदर क्या है, हमारे अंदर कोई दुष्टा वाला स्वभाव नहीं है भैया, हम तो बिल्कुल अच्छे लोग हैं। यीशु उनको अपना शिष्य नहीं बोलता। शिष्य किसको बोलता है? वचन निकालेंगे यूहन्ना 13। यूहन्ना 13 का 35 पढ़े कोई भी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। क्योंकि बहुत से गुनगुने भैया हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप ये मत सोचो कि आप क्या हो, बढ़िया हो। बढ़िया प्रभु की निगाह में कौन है? लिखा यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यानी कि आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आपस में प्रेम होना। बहुत से बोलते ना भैया हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो गुनगुने के मैंने बताया, ना तो कुछ कड़वाहड़ भी नहीं किसी के प्रति, ना कोई प्रेम भी नहीं है। तो यहाँ पर जो तीन बातों को जो हम ध्यान से एक एक करके अपने आप को जांचना, दूसरे को नहीं जांचना, अभी आप क्या करना है अपने आप को जांचना है। मैंने बताया ना हम अपने आप को परख कर देखें कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन से लेवल के हैं, हम ठंडे हैं या गर्म हैं या गुनगुने हैं। अगर आज हमारे अंदर प्रभु के प्रति उत्साह से हम भरे हुए हैं, प्यार से भरे हुए हैं, तो यानी कि अभी हम कौन हैं? गर्म हैं। और अगर हमारे अंदर ठंडे होने की क्या बताया था, सुन तो लिया है हा? अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, अभी भी गुस्सा जलन है, अभी भी कड़वाहट है, यानी कि हम कौन से लेवल पे हैं? ठंडे वाली कैटेगरी में हैं। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कुछ भी नहीं है, ना तो कड़वाहट भी ना प्रेम भी नहीं है, हम कौन से लेवल पे हैं? गुनगुने। अब ये तीनों में से खतरनाक कौन सा है? परमेश्वर पता क्या कहता है? भला होता। क्या पढ़ा हमने 15 में? दोबारा से पढ़े। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इधर वचन क्या कहता है? भला होता। जो गुनगुने है ना उनसे प्रभु बोलता है भला होता। गुनगुना कौन है? जिसके अंदर किसी के प्रति अभी प्रेम नहीं है, जिनके अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। बहुत से सोचते ना हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है। आपके अंदर कड़वाहट नहीं कोई बात नहीं, मगर आप चेलों की गिनती में नहीं है। ध्यान रखना आप चेलों की गिनती में कौन है? जो आपस में प्रेम रखते हैं, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, आप चेलों की गिनती में नहीं, आप गुनगुने की गिनती में हैं। उसी को प्रभु क्या करने पर है? उगलने पर है। क्योंकि ये गुनगुने से बहुत खतरा है, इसलिए प्रभु बोलता है भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। इसका मतलब
गुनगुने से अच्छा है भला होना या वह ठंडा होना या गर्म होना। अब दो बातों को हम देखेंगे, तीन में तो आप अपना लेवल देख लो कौन सा आपका लेवल है। समझ में आया है? किसी को जरूरत नहीं आपको नापने की, आपको जांचने की। आप खुद जांच लो अपने आप को कि आज आप कौन से लेवल पे हैं। अगर आपके अंदर अभी भी किसी के प्रति प्यार नहीं है, आप गुनगुने हैं, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं, आप कौन है, इसका मतलब प्रभु आपको उगलने पर है, आप खतरे वाले लेवल पर हो। समझ में आ रहा है आपको? आप कौन से लेवल पे हो? खतरे वाली जगह पे खड़े। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर, हम सिर्फ एक ही चीज देते हैं, हमारे अंदर कुछ कड़वाहट नहीं है। वो कड़वाहट को छोड़ो, आपके अंदर प्यार भी तो होना चाहिए ना। प्यार है क्या? अगर प्यार नहीं है तो आप कौन हो? गुनगुने हो। क्योंकि एक आयत और मैं इधर लेना चाहता हूं, एक आयत और, क्योंकि कभी कभी क्या बोलते हैं हम, मान लो किसको उदाहरण में लूं मैं, दुष्ट समझाने के तौर पर पंकज को ले लेता हूं मैं। ठीक है पंकज भाई, पंकज की और मेरी कुछ खटपटी हो गई। क्या हो गई? कुछ मनों में खटास सी आ गई। तो खटास आने के बाद कैसे भी कर पंकज भाई ने बोल दिया, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आपसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने आपको माफ कर दिया, अब मेरे अंदर ऐसा आपके प्रति कुछ भी नहीं है। इतना समझ में आया? ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा से बोल रहा हूं मैं। पंकज की और मेरी आपस में क्या हो गई? कुछ किसी भी बात से, या तो मैंने बोल दिया कि भैया तुम वीडियो सही नहीं बनाते है? इनको क्या लग गया कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, भैया ने एक मिनट में बोल दिया सही नहीं बनाते, मैं तो जितनी कोशिश होती है मैं तो अच्छी बनाता हूं। तो फिर मैंने बोला तुम सही नहीं बनाते, तो फिर उन्होंने बोला क्यों कोई बात नहीं मैं आप सही से बनाऊंगा। मैंने कहा आपको बुरा लग गया होगा मैंने डांटा, नहीं नहीं मेरे को कुछ बुरा नहीं है, अच्छा हूं मैं, सब ठीक है। क्या हो गया कि मेरे अंदर कुछ भी ऐसी बात आपके प्रति नहीं है। कहने का मतलब इन्होंने क्या कर दिया, वो अपना बात अंदर से गुस्सा क्या कर दिया, निकाल भी दिया। समझ में आ रहा है आपको? इन्होंने क्या कर दिया, वो गुस्सा जो बुरा इनको लगा था वो क्या हो गया, ये ठीक भी हो गया। अब ठीक तो हो गया वो, मगर उस लेवल को इन्होंने वहीं पे छोड़ दिया ठीक करके। समझ में आया आपको? नहीं आया ना? इन्होंने वो गुस्सा जो इनको मेरे प्रति था वो गुस्सा निकाल दिया। अब इतना ही काफी नहीं है, गुस्सा निकालना काफी नहीं है, इसके पीछे और दूसरा एक काम और है। वो कौन सा काम है? गुस्सा निकालने के बाद जैसा वो प्यार था ना, वापस उस प्यार में आना है। समझ में आया आपको? इन्होंने वो गुस्सा, मैंने इनको डांटा, वो गुस्सा तो इन्होंने निकाल दिया, इससे प्रभु अभी खुश नहीं है। कब खुश होगा? वो पहला वाला प्यार, जैसे पहले बातचीत होती थी, पहला होता था, वो वहां वो लेवल पे आना है। क्योंकि अगर वो प्यार से नहीं भरे, ये वो प्यार जो थोड़ा दूर हो गया, इन्होंने वो गुस्सा तो निकाल दिया मगर प्यार में अभी आए नहीं है। अगर वो प्यार में नहीं आएंगे, उधर एक खतरा है। पता कौन सा खतरा है? वचन निकाले, आपको समझ में आ जाएगा। लूका 11 का 24 पढ़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आया आपको? ये कहानी थोड़ी सी जो मैंने पंकज और बताई अपनी, लूका 11 पढ़े। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इतना समझ में आई ये आया? समझ में आई वाली? कुछ इससे सुन, इसको पढ़कर कुछ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया ना? क्या समझ में आया बताओ?
इस आयत को पढ़ के और जो पंकज की और हमारी कहानी कुछ मेल खा रही है, नहीं खा रही है? नहीं खा रही। पंकज की और हमारी जो कहानी बताई मैंने और ये आयत कुछ मेज खा रही, नहीं खा रही? इन्होंने क्या करा, वो कड़वाहट तो निकाल दी मगर वहां जो प्यार और भरना था वो नहीं पा रही। उसी तरह यहां पर एक व्यक्ति के अंदर से एक दुष्ट आत्मा तो निकाल दी। अभी आप मान लो यहां से कोई एक व्यक्ति आया जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो आया व्यक्ति, उसके हमने उसके सामने हमने प्रभु से प्रार्थना करके उस अंदर से दुष्ट शक्ति निकाल दी। दुष्ट शक्ति तो निकल गई, अब उसको क्या करना चाहिए था? वचन से अपने आप को भरना था। अगर वचन से नहीं भरेगा वो, तो जो शक्ति निकली है ना, वो फिर कहीं ना कहीं जगह ढूंढती है किसके शरीर में घुसू। यहां से निकली है तो कहीं ना कहीं वो मंडराएगी, ढूंढेगी कहीं ना कहीं जगह। जब सब जगह देखती कहीं जगह नहीं मिलती, तो वो सोचती देख के आऊं वो जहां से मैं आई थी, तो वहां पर देखती खाली जगह, अभी तक कोई वचन नहीं भरा है, कोई सामर्थ्य नहीं भरी, प्रभु में आगे नहीं बढ़ा। तो ये वो शक्ति जो निकल गई ना, कहते वो सजी सजाई साफ सुथरी, क्योंकि शक्ति निकलने के बाद सजी सजाई साफ सुथरी, वो क्या कहती है, फिर अपने से भी बुरी और सात आत्माओं को लेके अंदर आती है, उस व्यक्ति की पहले से भी दशा खराब कर देगी। उसी तरह भाई पंकज ने वो गुस्सा तो निकाल दिया, गुस्सा निकालने के बाद शक्ति घूमती रहेगी कहीं मौका ढूंढे तो। अगर इन्होंने प्यार से भर लिया वापस, उसको मौका नहीं अंदर दोबारा आ जाए। समझ में इतना आया आपको? अगर वो प्यार से नहीं भरेगा तो शैतान कहीं ना कहीं लाके और पहले से भी ज्यादा ऐसे तीर मार मार के उसके अंदर इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब। समझ में आया आपको? तो उसी तरह हमारे अंदर किसी के प्रति गुनगुने की, बता रहा हूँ, गुनगुना व्यक्ति की हालत, बोलते ना हमारे अंदर कुछ भी नहीं है भैया, मैं जो भी था मेरे अंदर गुस्सा था मैंने निकाल दिया। आपने गुस्सा तो निकाल दिया मगर जो प्यार आना था वो आने दिया? अगर आप प्यार वो नहीं आने दोगे ना, तो ये हालत हो जाएगी आपकी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा तो एक बार हालेलुया बोले। आ रहा है समझ में? माता आपको समझ में आ रहा है? ये गुनगुने व्यक्ति की यही हालत है कि हमारे अंदर, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वो दुष्ट शक्ति फिर कहीं ना कहीं जगह ढूंढती है, जब तक वो व्यक्ति के अंदर वचन से वो भर गया है तो ताकत की हिम्मत नहीं कि दोबारा से वो आ जाए। उसी तरह हमने किसी के पर दी, हाँ भैया गुस्सा था हट गया, तो वो गुस्सा दोबारा से सात गुना और ऐसे विचारों के साथ शक्ति वापस आ भी सकती है, अगर हमने उसके प्रति, भाई या बहन के प्रति कुछ बातें आ गई प्यार से नहीं भरे तो। हम अगर प्यार से हम कभी कभी बोलते नहीं भैया माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया, जाओ जाओ, और अगर अंदर प्रेम से नहीं भरे उसके प्रति, आपकी हालत कौन सी दशा में? आप गुनगुने की हालत में है, और गुनगुने को प्रभु बोलता मैं तुझे उगलने पर हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलता हूं अभी आप देख लो कौन से लेवल पे आप, क्योंकि मेरे को पता था प्रभु एक एक से आज बात करेगा, क्योंकि कुछ ठंडे की हालत में है, कोई गर्म में है, कोई गुनगुने में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल तो है। अभी आप सोचो आप कौन से लेवल पे। समझ में आ रहा है भाई साहब? कभी कभी हमारा मनुष्य स्वभाव है, हम बोलते नहीं अभी कुछ भी हो जाए मैं उसको माफ नहीं करूंगा, खतरे में हैं हम। कभी कभी बोलते ना हाँ चलो जाओ माफ कर दिया, कोई बात नहीं जाओ, माफ तो कर दिया है मगर आपके अंदर उसके प्रति है ना वो प्यार आना है, अगर प्यार नहीं आ रहा तो आप बहुत खतरे वाले लेवल पे हैं। हमने सोचते नहीं यार मेरे अंदर कुछ भी कड़वाहट नहीं है, कोई बात नहीं, सब मैंने छोड़ दिया, माफ कर दिया, सब प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, खतरे में हैं आप। उधर क्या करना है हमें? उस भाई या बहन या सेवक या पड़ोसी या कोई भी हो, माफ करने के बाद हमारे अंदर उसके प्रति जो क्या है, प्यार में आगे बढ़ना है। अगर हम उसके प्रति प्यार में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम बहुत खतरनाक लेवल पे हैं। उसी के लिए प्रभु बोलता है तुम्हें मैं अपने मुंह पर गया हूं,
उगलने से हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बातें और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक बात वो मैंने वहां एक पढ़ी थी, वो यहाँ पर लिखा है कि भला होता तू या तो ठंडा होता या गर्म होता, यानी कि गुनगुने से प्रभु क्या है, पर्सन नहीं है। एक टाइम पे ठंडे से मैं क्या हूं, चल जाएगा। ठंडे का मतलब जानते हैं आप, ठंडा और गर्म के बारे में आज के हिसाब से अगर हम ठंडा देखें तो, आज के हिसाब से अगर ठंडा देखें तो, क्योंकि दो बातें हैं इधर। हम आज संसार से भी पूछना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए हमारे अंदर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि हम ठंडे होने से क्या है, बहुत से लोगों से पूछना ठंडे होने से क्या है, गुनगुना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ठंडा अगर देखेंगे ना ठंडे के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया गुनगुना, इसलिए आप गुनगुनों को आपने पकड़ लिया है। अगर अभी हम बोले कि जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए ठंडे से अच्छा क्या होता है, गुनगुना ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ठंडा जो है, ठंडे के अंदर क्या है, कड़वाहट है, किसी के अंदर प्रेम नहीं है, किसके अंदर, ठंडे व्यक्ति के अंदर। तो गुनगुना हमारे हिसाब से तो गुनगुना क्या है, क्योंकि उसके अंदर ना तो कड़वाहट है ना प्यार है किसी के अंदर। तो यानी कि अगर लेवल के हिसाब से देखेंगे तो कौन सही है, नहीं समझ में आया आपको। ठंडे के अंदर क्या है, कड़वाहट है, किसी के प्रति प्यार नहीं ठंडे के अंदर, और गुनगुने के अंदर ना तो कड़वाहट है ना प्यार है। अगर प्रभु कहता कि ठंडा होता तो भला होता, मगर हम अपने संसारिक तौर से देखेंगे तो, बाहर के हिसाब से देखेंगे तो हमें कौन सा अच्छा लगेगा, गुनगुना अच्छा लगेगा ना। अभी आप समझ में नहीं आ रहा आपको। अगर हम मनुष्य के स्वभाव से देखें, जैसे इधर मैंने बताया कि ठंडे के अंदर क्या होता है, कड़वाहट है, वो किसी को माफ करने का स्वभाव नहीं ठंडे व्यक्ति में, मगर गुनगुने में क्या, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं। तो लेवल के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा सही है, गुनगुना सही है हमारे लेवल के हिसाब से देखेंगे। ये तो परमेश्वर के लेवल के हिसाब से गुनगुना खतरनाक है, हमारे लेवल के हिसाब से तो कौन सही है, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हमारे लेवल के हिसाब से कौन सही है, गुनगुना, और परमेश्वर के हिसाब से गुनगुने को तो वो कहता है तेरे को तो मैं उगलने पर हूं। तो इधर दो बातें क्लियर करना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं 15 में एक बार दोबारा से वो 15 पढ़ेंगे। हाँ बेटा पढ़े, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, भला होता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ये परमेश्वर जो गुनगुने को उगलने पर हम, पता क्यों बोलता है उसको, ये गुनगुना जो है ना, ये गुनगुने के बारे में उगलने के लिए से बोलता है, क्योंकि ये जो गुनगुना व्यक्ति ऐसा है, ये समझौता करने वाला मसीह है। ये कौन सा है, ये गुनगुना समझौता करने वाला। समझौता का मतलब, जो गुनगुना है वो कैसा है, वो समझौता। और जो ठंडा है, ठंडा का अगर हम देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए, अब मैं अपने अपने लेवल के हिसाब से आपको अब समझाना चाहता हूँ। गुनगुना व्यक्ति जो होता है वो क्या है, समझौता करके चलता। समझौता का मतलब, नहीं भैया आपके प्रति मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, है? और दूसरा जो है ठंडा, ठंडा जो है, क्योंकि आप एक बात और ध्यान से सुनना, प्रभु इसलिए बोलता है तू ठंडा होता है या गर्म होता है, वो किस लिए प्रभु बोलता है, क्योंकि देखो ठंडा व्यक्ति और गर्म जो गुनगुना व्यक्ति में, अब अगर ठंडा व्यक्ति को अगर हम देखेंगे तो, एक आयत और पढ़वाऊं थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा आपको, ये बात भी समझ में आएगी। ठंडा और गर्म, प्रभु कहते कि भला होता कि तू ठंडा होता या
गर्म होता है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ठंडा व्यक्ति जो है वो आयत पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। निकाल ले बेटा एक आयत, वो पढ़ ले हम, मती इक्कीस का 31 पढ़ेंगे हम। इन दोनों में से किसने पिता थोड़ा ऊपर से पढ़े, इसको ऊपर से पढ़े, थोड़ा ऊपर से पढ़े। तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे? अभी इसको ध्यान से सुनना, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। ध्यान से सुनना, बस मैं खत्म करने जा रहा हूँ। एक इंसान के दो बेटे थे, तो वो पहले के पास गया और क्या बोलता है, हे पुत्र, जाकर कहता है हे पुत्र, यानी कि हे बेटा आज दाख की बारी में काम कर। यानी कि एक बेटे के, एक बाप के दो बेटे थे, पहले के पास गए जाकर खेत में काम कर। हाँ, उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, उसने बोला, बाप ने बोला काम कर खेत में जाकर, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। पहले तो क्या कर दिया इसने, मना कर दिया, फिर बाद में उसको लगा कि मैंने मना करके बाप का दिल दुखा दिया, बुरा लग गया होगा, तो फिर बाद में क्या करे, वो पछता कर गलती का एहसास करके चला गया। हाँ, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। अब इसने पिता से, वो बेटे से बोला था कि काम कर, तो उसने बाप के सामने तो क्या कर दिया, मना कर दिया, मगर पीछे से पछता कर वो क्या करा, चला गया। मगर बाप को नहीं पता कि ये चला गया, थोड़ा समझना है। तो जब वो नहीं गया तो उसने दूसरे बेटे से बोला कि बेटा जाकर क्या कर, जैसे उससे बोला था खेत में काम कर, ऐसे इससे भी बोला कि बेटा जाकर क्या कर, खेत में जाकर काम कर। हाँ, उसने उत्तर दिया जी हाँ जाता हूँ। इसने तुरंत बोल दिया जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समझ में आया सवाल? इन दोनों में से एक ने मना कर दिया, एक ने जी हाँ जा रहा हूँ, किसने पिता की इच्छा पूरी करी? किसने पिता की इच्छा पूरी करी? जिसने हाँ बोल दिया वो, या जिसने मना कर दिया वो? एक एक करके बोलो, जिसने हाँ बोला वो ठीक है, या जिसने मना किया वो ठीक है? क्योंकि उसने मना तो कर दिया, बाद में उसको लगा मैंने गलत किया है, वो पछताकर क्या करा, चला। और एक ने हाँ तो बोल दिया मगर गया ही नहीं। पढ़ेंगे आगे, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा की? उन्होंने कहा पहले ने। पहले ने, क्योंकि पहले ने क्या करा था, पहले मना कर दिया, मगर बाद में अपनी गलती का एहसास करके चला गया। हाँ, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले, बड़े ध्यान से पढ़े। हाँ, मसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हाँ, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। अभी इधर देखो, मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इधर हम जो ठंडा और गर्म के बारे में वापस उतर ही आऊंगा मैं, ये थोड़ा इसको याद रखना इसको, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जहाँ हमने शुरू में पढ़ा था, एक बेटे, एक बाप के दो बेटे थे, एक ने क्या करा, हाँ करके गया नहीं, और एक ने मना करके चला गया। जिसने मना, हाँ मतलब पहले मना करके चला गया, ये कौन सी गिनती में आते हैं? ये वो बेस्याओं की गिनती में आते हैं, समझ में आया है? जिसने पहले मना कर दिया फिर पछता कर चले गए, ये वो जो बेस्या है ना, प्रभु का वचन सुना, अपनी पाप को पछता कर क्या करा, बाप की मर्जी को पूरा करने चले गए। तो कहते हैं ऐसे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे,
समझ में आया है? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, अपने पापों से पछता लिया है। और दूसरे जो है महसूल लेने वाले, नहीं चुंगी लेने वाले, यानी कि जो टैक्स जो लेते हैं ना, इधर से जो गाड़ी निकालोगे आपका जो टैक्स है 5 रुपए, मगर वो बदमाशी दिखा के उनसे 10 रुपए ले लेते थे। यानी कि जबरदस्ती बदमाशी दिखाकर छीना छपटनी करने वाले और जो गलत काम करने वाले, उन्होंने क्या करा, अपनी गलती मानकर क्या करा, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। मगर जिसने क्या करा, हाँ करके भी काम नहीं किया, ये कौन सी गिनती में आते हैं? ये फरीसी लोग हैं। जो समझ में आ रहा आपको, फरीसी कौन, ये व्यवस्था को जानने वाले थे ये, मगर पछता के नहीं चले। ये सोचते थे कि हमको तो सब आता है। तो उधर जो मैं ठंडा और गर्म में इसको भी आयत पढ़ा के उधर ही वापस आपको दिमाग उधर ही लेने ले जाना चाह रहा हूं। तो इधर जब सुन, समझ में आ रहे आपको, पीछे जो बैठे नहीं आ रहे है? वो ठंडा गर्म और गुनगुना, ये तीन बातों में ही वापस उधर ही हम आ रहे हैं। मेरा यही है कि आप आज समझ कर जाए आप कौन से लेवल पे हैं। क्योंकि अगर हम ठंडे हैं तो सही है, अगर आज हम ठंडे हैं तो सही है, आप बताइए ना। आप अगर ठंडे हैं तो किस लेवल पे हैं, यानी कि आप किसी के अंदर कड़वाहट किसी के प्रति लेके चल रहे हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, आप कौन है? ठंडे हैं। ऐसे ठंडे व्यक्ति के लिए बोलते हैं संसार के, वो लोग बोलते हैं ना, क्योंकि वो ठंडा व्यक्ति जो संसार के, जो तीन बातें हैं जो, तो यहाँ पर जब गुनगुना व्यक्ति जो समझौता करके मैंने बताया है, क्योंकि एक अविश्वासी व्यक्ति, अविश्वासी का मतलब जो संसार का व्यक्ति जो होता कौन सा है, वो अविश्वासी। तो अविश्वासी जैसे उसने गलती मानकर वो स्वर्ग में चले गए, कौन वैसे आए संसार का। अभी आप देखना, ज्यादा करके कलीसिया को नुकसान पता किसको होता है, ज्यादा करके किस लोगों से नुकसान होता है, कलीसिया को किस लोगों से नुकसान होता है पता आपको, ज्यादा करके कलीसिया को नुकसान या प्रभु को नुकसान किससे होता है पता है आपको, किससे होता है? जो ठंडे हैं यानी कि जो संसार के हैं, वो तो वचन पढ़ते नहीं है, वो तो कुछ भी करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। मगर जो गुनगुना है, जो समझौता करके चलते हैं, समझौता करके मतलब यीशु का नाम भी लेते हैं और जो मर्जी करके चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे, ठोकर का कारण बन रहे हैं। तो उनको क्या करेगा प्रभु, उन वो खतरे के लेवल पे। इसलिए कहता मैं तुमको क्या करने पर हूं, उगलने पर हूं। तो आज भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह को माना है हमने, और अगर आज भी अगर हम, कुछ बातें हैं जो ध्यान से सुनना, अभी बस खत्म करने जा रहा हूं मैं। आज भी अगर मान लो कुछ ऐसे कारण है जो अच्छी तरह, जो गुनगुनी दशा में जो बैठे हैं और ठंडी दशा में जो बैठे हैं, उसके लिए मैं एक बताना चाहता हूं कि अगर आज भी हमारे अंदर, जैसे हमने यीशु मसीह को मान लिया है, अपनाया, यीशु मसीह को अपनाया, अगर आज भी हमारे अंदर धन के प्रति प्रेम है, आज भी किसके प्रति, धन का मतलब पैसे के प्रति आज भी हमारे अंदर प्यार है, और आज भी अगर हमारे अंदर गुस्से से हम भरे हैं, और आज भी अगर हमारे अंदर अशुद्ध विचार हैं, अगर इन चीजों से हम आजाद होने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है, समझ में आ रहा है? बातें तो बहुत सी बता सकता हूं, मगर तीन बात मैं बता रहा हूं, कौन कौन सी। अगर आज भी हमारे अंदर किसी के प्रति क्रोध है या गुस्सा है, समझ में आ रहा है? या दूसरी बात, अगर आज भी हमारे अंदर किसी के प्रति गलत विचार है, या आज भी हमारे अंदर पैसे की इच्छा है, पैसे से आज भी प्यार है, तो लिखा है अगर इस लेवल पे हैं हम आज, तो अगर इस लेवल पे हम है, तो एक बात जो आप देखना, आपके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। अगर आपके अंदर पैसे के प्रति प्यार है, अगर वो पैसे के प्रति और जो अशुद्ध विचारों के प्रति, इन तीन चार चीजों के प्रति, अगर हम पाप के प्रति, अगर ये अच्छा है, या इधर लिखा यीशु के अगर चेले होने का हम दावा करते हैं,
हम बोलते हैं ना, हम कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं या यीशु मसीह के बच्चे हैं या कुछ भी है। अगर इन चीजों को अभी भी हम निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है कौन कौन सी बातें? क्योंकि अगर यीशु मसीह के आज भी हम चेले होने का दावा करते हैं और अगर आज भी हमारे अंदर प्रभु के पैसे के प्रति प्यार है, आज भी हम अगर पाप को छोड़ना नहीं चाह रहे, अशुद्ध भक्ति को, चीजों को छोड़ना नहीं चाहते और हम बोलते कौन है, हम यीशु के संतान या यीशु के चेले हैं, तो इसका मतलब हम कौन है? हम इस समय कौन है? हम क्योंकि मैं एक बात आपको बता के इधर खत्म करना चाहता हूँ। अगर हम यीशु मसीह के चेले या विश्वासी या बच्चे होने की बोलते हैं तो ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, गलत चीजों को छोड़ने का एक वो होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक इच्छा होनी चाहिए। अगर नहीं है ये बातें, क्योंकि वो तीन बातों को अच्छी तरह सीख कर जाना बस इधर, क्योंकि अगर संसार के लोग देखेंगे तो बाहर के लोग देखे, वो चाहे कुछ भी करे, गलती करे कुछ भी, क्योंकि वो वचन पढ़ते हैं ना, संगति करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम मसीह में प्रार्थना में आने के बाद, वचन सुनने के बाद, अगर ये गलती और पाप, ये पैसे की लगाव, इन चीजों को अगर अभी भी हम लेके चलना, छोड़ने की इच्छा नहीं है, तो हम वही गुनगुने वाली हालत में है और ऐसे लोगों से कलीसिया में बहुत ठोकर लगती है। आप देखना कितने लोग जो चले तो शुरुआत में सही थे, मगर सही से ना चलने के कारण आज बहुत से क्या हो रहे हैं, बहुत से लोग सवाल भी उठाते हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वहां ऐसा ही होता है, क्योंकि जो समझौता करके चलते हैं। अभी बाहर के लोग तो समझौता नहीं करते, वो संसार में है, वो तो जैसे मर चलेंगे, उनको कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है, मगर यहाँ पर हम समझौता करके चलेंगे, यानी कि गुनगुने की हालत में है, ठीक होने के मन नहीं है, तो ऐसे लोगों से प्रभु बोलता है मैं उनको अपने मुंह से क्या हूं, उगलने पर हूं। क्योंकि गुनगुना व्यक्ति हमेशा क्या है, मैं तो जैसा भी ठूके, मेरे अंदर ना तो किसी के प्रति कड़वाहट है ना किसी के प्रति प्रेम है, यानी कि वो ठीक होना नहीं चाहता। क्योंकि अगर ठीक होना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, प्रभु के प्रति प्रार्थना करके दूसरे के प्रति प्यार से भरेगा और अंदर से जो पाप है, गलतियां हैं, कमियां, उसको निकालने का मन करेगा उसको। अगर ये हमारा मन नहीं है, जैसी हालत है हमारी, ऐसे ही चल रहे हैं हम, गुनगुने हालत में हैं, समझ में आ रहा है आपको? अभी बहुत से बोल रहे हो ना भैया जैसे भी ठीक है, प्रभु की दया है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर और उमंग और जोश और प्यार और प्रति कुछ ना कुछ भरते रहो प्रभु के प्रति, क्योंकि हम सोचते हैं ना सही है भैया हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, किसी के प्रति कुछ नहीं है, आप गुनगुने वाले लेवल पे हैं। इसलिए जैसे मैंने पंकज का उदाहरण लेके बताया है, कुछ बातें तो हो गई, उसने बोल दिया नहीं भैया आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहां तक ठीक नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करके वो प्यार, वो प्रभु की सेवा में, प्रभु के आगे बढ़ने में लगातार चलना चाहिए। अगर वो बोल दे नहीं कुछ भी नहीं है और वहीं रुक गया, तो जैसे हमने वो वचन पढ़ा है, दुष्ट आत्मा क्या करेगी, पहले से भी 7 बुरी आत्मा को लाकर उस व्यक्ति के पहले से भी 10 ज्यादा खराब कर देगी। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने आप को जांचे हम कौन से लेवल पे हैं अभी। अगर आज भी हमारे अंदर गुस्से से और अशुद्ध विचारों से मुक्त होने के लिए इच्छा नहीं है, अभी भी हम गुनगुने वाली हालत में हैं, इसलिए हमारे अंदर से किसी के भी प्रति गुस्सा हो या गलत विचार हैं या कुछ भी हो, उससे हमें मुक्त होने की इच्छा रखनी चाहिए। आज बहुत से लोगों के अंदर इच्छा नहीं है, पाप से आजाद होने की इच्छा नहीं है, जो गलत विचार चल रहे हैं उसको विचारों से आजाद होने की इच्छा नहीं है, आज भी वो ही पैसा का प्यार लेके चलते हैं। प्रभु मेरे अंदर पैसे का लगाव नहीं, प्रभु तेरी सेवकाई का लगाव, तेरे प्रेम का लगाव, तेरे लोगों से प्रति प्रभु प्रेम का लगाव मेरे अंदर होने दे। आज बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं, अगर गलत विचार है उसी को लेके चल रहे हैं, गलत पाप में पड़े हैं उसी को लेके चल रहे हैं, उनके अंदर वो छोड़ने की इच्छा नहीं है, वो गुनगुने वाली हालत पे हैं। ऐसे लोगों से प्रभु बोलता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं।
इसलिए आज अगर प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु मेरे अंदर बहुत से विचार आते हैं उल्टे सीधे, अभी तक मेरे अंदर इच्छा नहीं जागी उनको, उनसे मैं आजाद हूं, दूसरे के प्रति जो जलन थी, गुस्सा थी, ईर्ष्या थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं इनसे आजाद हूं, प्रभु आज मुझे पता लगा इनको अगर मैं लेके चलूंगा अगर हम यीशु का शिष्य बनने का तो दावा करते हैं मगर अविश्वासी की तरह रहते हैं क्योंकि अविश्वासी के अंदर पैसे का लगाव रहता है, अविश्वासी के अंदर गुस्सा और जलन रहता है, गलत विचार रहते हैं। एक समय है जो ठंडा है ना उसकी तो उम्मीद है कि ये अपने पापों को मानकर प्रभु में आ जाएगा मगर जो गुनगुना है वो गलत लेवल पे है इस समय क्योंकि गुनगुना सोचता है मेरे अंदर तो किसी के प्रति कुछ नहीं है इसलिए हमने वहां पर पढ़ा है कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगी क्योंकि उन्होंने अपने पापों को मान लिया है मगर जो फरीसी लोग हैं वो कभी भी अपने पापों को नहीं मानते उसी तरह आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं फरीसी की तरह वो अपने पापों को मानते ही नहीं इसलिए वचन में लिखा कि वेश्याएं और महसूल लेने वाले क्योंकि जो अपने पापों को मान लेता है प्रभु उन पर दया करता है हालेलुया जो हमने मत्ती 21 का 31 देखा है इन कारणों से ही प्रभु कहता है यही अच्छा है कि हमें गुनगुनी दशा की वजह ठंडी दशा में ही पाए हम क्योंकि ठंडी दशा का मतलब वही है कि महसूल लेने वाले ने जो पापी थे क्योंकि हमने पढ़ा ना ठंडे व्यक्ति के अंदर पाप था ठंडे व्यक्ति के अंदर किसी को माफ करने की वो नहीं थी मगर एक समय उन्होंने अपने पापों को मान लिया वेश्याओं ने महसूल लेने वालों ने मगर जो गुनगुने होते हैं ना वो कहते नहीं हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसा इसलिए वो इतनी जल्दी माफी भी नहीं मांगते ऐसे लोगों से बोलता है मैं उसको अपने मुंह से उगलने पर हूं अगर आज प्रभु ने हमसे बातें किया है जैसे पुराने नियम में उस बेदी पर हमेशा आग जलने के लिए बोला था प्रभु ने अगर आज भी हमारे अंदर वही आग है जैसे मैंने बताया था अगर झाड़ी में आग लग रही उसमें कोई भी कीटाणु फिर जिंदा नहीं रह सकता उसी तरह अगर हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का आग अगर है तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि हमारे प्रेम को रोक सके प्रभु के प्रति वो प्रेम को ठंडा करने के लिए तो आएगा मगर जल जाएगी वो जलन और ईर्ष्या लेके तो आएगी मगर जल जाएगी आज हमारे अंदर से वो जलन और ईर्ष्या और गलत विचार क्यों नहीं जा रहे क्योंकि वो आग बुझ चुकी है इसीलिए हम किसी को आज माफ नहीं कर पा रहे इसीलिए आज किसी के प्रति हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है क्योंकि वो आग बुझ चुकी है इसलिए इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे उस समय पुराने नियम में जो बेदी हमेशा निरंतर जलती रहती थी वही आग मेरे अंदर प्रभु जला दे ताकि मेरे अंदर से सारी अशुद्धताएं मलिनताएं जल जाए प्रभु तेरे प्रेम के प्रति मुझे भर दे तेरे लोगों के प्रति क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है इसी से लोग जानेंगे कि तुम आपस में प्रेम करते हो तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो प्रभु बहुत से भाई बहनों को मैं माफ तो कर देता हूं कर देती हूं मगर जो प्यार अंदर भरना चाहिए वो नहीं भर पा रहा है
कहीं मेरे अंदर वो आग बूझ तो नहीं गई। अगर मैं माफ तो कर रहा हूं मगर प्रेम से नहीं भर रहा, यानी कि कहीं ऐसा ना हो वो सात दुष्ट आत्माओं की तरह मेरे अंदर घुस जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना पहले से भी बुरी हालत हमारी हो जाए। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु माफ करना ही काफी नहीं है, उस प्यार से भी मुझे भर दे। हालेलुया। अगर अभी तक हमने माफ कर चुके हैं और अभी तक वो प्यार में नहीं आए, अभी हम भी कहीं ऐसा ना हो वो हमने उदाहरण में देखा है जिस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है वो वापस फिर घूमती है, कहीं जगह ढूंढती है, वो वापस फिर उसको सजा सजाया पाकर वापस उसी शरीर में आ जाती है और अपने साथ सात और दुष्ट आत्माओं को लाकर उसके अंदर बैठकर उसकी पहले से भी बुरी हालत कर देती है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अगर किसी के प्रति भी मेरे अंदर कुछ है, बाप मेरे अंदर वो आग जला दे ताकि सारी गंदगी कड़वाहट जलन ईर्ष्या मलिनता सब जल जाए, ताकि मैं फिर से प्रभु तेरे उस प्रेम में बंध जाऊं। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रार्थना करें, हम देखें अपने आप को, जांचें हम गुनगुने हैं, ठंडे हैं या गर्म हैं। हम कितनी बार किसी को माफ तो कर देते हैं मगर उसके प्रति जो प्रेम है वो उसमें बढ़ नहीं पाते। जैसे हमने वचन में पढ़ा था, लौदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो आमीन, आमीन का मतलब सब कुछ पूरा करने वाला, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका पूरा होता। उसने जो भी वायदे किए हैं वो सब पूरा करने की ताकत आज भी रखता है। इसलिए हमने गीत वचन में भी पढ़ा था, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण यही है, यानी कि सारी सृष्टि को बनाने वाला, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, क्योंकि वहां की कलीसिया गुनगुनी थी, उनके अंदर किसी के प्रति कोई ईजेबेल वाली गलत शिक्षा नहीं थी उनके पास, या कोई दुष्टा भरे कोई ऐसे विचार या काम नहीं थे उनके पास, मगर प्रभु कहता है कि वो कलीसिया गुनगुनी थी। आज हमने देखा गुनगुनी का हालत क्या है, किसी के प्रति कोई ना तो कड़वाहट भी नहीं थी ना किसी के प्रति प्रेम भी नहीं था। अगर उस हालत में हम हैं, हम कभी कभी बोलते हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, हम गुनगुने वाली हालत में है, तो कहता है प्रभु बोलता है कि भला होता तो या तो गर्म होता या ठंडा होता। कहीं हम गुनगुने वाली हालत में तो नहीं, प्रभु आज एक एक से बात कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति आज प्रेम नहीं है, हम गुनगुने वाली हालत में हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर वो जो खाली जगह है, बेशक मैंने माफ तो कर दिया सबको मगर जो प्यार से मुझे वो जगह भरनी थी मैं नहीं भर पा रहा, कहीं ऐसा ना हो तो मुझे उगल दे। इसलिए प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम वाला स्वभाव, वो जो उमंग प्रभु तेरी सेवकाई के प्रति उस लेवल का बना, मुझे गर्म बना प्रभु, क्योंकि अगर हम गुनगुने की हालत में हैं, हम खतरे वाले लेवल पे हैं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु हमें उगल दे। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है हम खा तो लेते हैं, थोड़ी देर हमारे पेट में रहती है मगर हमारे शरीर का वो अंग नहीं बन सकती, बाहर निकल गई। उसी तरह हम कुछ समय तक प्रभु के साथ तो थे,
कहीं ऐसा ना वो उगल दे। जैसे हम कभी कभी कुछ खा लेते हैं, कुछ समय के लिए तो हमारे पेट में रहती है वो चीजें, मगर बाद में क्या करते हैं, उगल देते हैं। उसी तरह कुछ समय तक हम प्रभु के साथ थे, अगर हम सही से नहीं चल पाए कहीं वो उगल ना दे हमें। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम एक एक को प्रभु जी, क्योंकि हमने उदाहरण भी देखे हैं, गर्म का मतलब वो ही है जो प्यार से भरा हुआ, ठंडा का मतलब किसी के अंदर माफ करने का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर माफ करने का स्वभाव नहीं, एक समय आएगा वो प्रभु से प्रार्थना करके कहीं ऐसा ना वो स्वर्ग में चले जाए। जैसे वो वैश्या अपनी गलती मान के चले गए, मगर गुनगुने का मतलब वही है, अपने आप को सोचते हम ठीक हैं, जो अपने आप को ठीक समझता है वो गुनगुने की हालत में कहीं ऐसा ना हो। प्रभु आने वाले दिनों में बोल दे कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेके हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अपने संतों के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, पूरे झुंड के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ, प्रभु जी तेरे दूसरे आगमन तक निरंतर प्रभु होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।